तो भाई आपको भी मेरे तरह से ऐसे हेडशॉट्स मारने या फिर ऐसे रिफ्लेक्स या फिर ऐसे स्प्रे, तो आपको भी मेरे तरह से जायरोस्कोप मास्टर करना होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जायरोस्कोप खेल पाते या फिर शिफ्ट कर पाते हैं लेकिन जायरोस्कोप मास्टर नहीं कर पाते। इस वीडियो के बाद आप लोग जायरोस्कोप मास्टर बन जाओगे, लेकिन जायरोस्कोप मास्टर बनते वक्त आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। इसके लिए आपका एम भी स्टेबल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले एम स्टेबल करने के लिए आपको एक चीज़ बताऊंगा और एक ड्रिल्स बताऊंगा। तो ये चीज़ है, आपको पिलो लेके खेलना है, क्योंकि अगर आप लोग पिलो लेके नहीं खेलोगे तो आपको एम स्टेबल रखने के लिए थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो आपको पिलो भी कैसे रखना है, जैसे कि आपको स्टेबल रखे, मतलब आपको पूरा ऐसे 360 आप लोग को आपका एम शिफ्ट कर सको या फिर आपको ऐसे स्प्रे दे सको। क्योंकि बहुत सारे लोग गलत तरीके से करते हैं ऐसे या फिर ऐसे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो ये तो होगी टिप्स, लेकिन आप देखेंगे ड्रिल्स। ड्रिल्स में आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में आने के बाद इधर आना है। इधर आने के बाद आपको एक कौनसी तो स्नाइपिंग लेने, एक एटिक्स लेना है और आपके जो जायरो सेंसिटिविटी थे उसको 400 करना है अपने एटिक्स की। और आपको जो स्टैंडर्ड ट्रेनिंग होते हैं उसको सिलेक्ट करके, जो लास्ट वाला जो भी लास्ट वाला है उसको सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, उसकी मूवमेंट स्पीड 0 रखनी है। और इसमें जो हेल्थ है उसको कितना भी रखो इसको कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तो स्टार्ट कर देते, जैसे आप लोग स्टार्ट करोगे तो जो एम है, जो अपने टारगेट है उसके ऊपर आपके जो हेड है ना उसके ऊपर आपको एम रखना है। इससे स्टेबल रखे इससे करना है। आप लोग 3 मिनट तक कर देंगे तो बहुत अच्छे, डेली करोगे तो बहुत अच्छे, लेकिन जैसे आपको पता चलेगा भाई आपका एम स्टेबल नहीं तो आप लोग जरूर करना है। मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करता हूँ इसको, जैसे मेरे को पता चलेगा भाई एम थोड़ा हल्का सा शेक हो रहा है या फिर स्टेबल नहीं तो ऐसे मैं करता हूँ। तो आप लोग भी जरूर करना। जो अपना सेकेंड ड्रिल है, जिससे आपको टीटी भी अच्छे हो जाएगी, आपकी रिफ्लेक्स अच्छे हो जाएंगे, तो इधर आओ। जो सेकेंड ड्रिल है वो है, इधर आने के बाद आपको क्या करना है, जो फर्स्ट जो डमी है उसको और जो फोर्थ डमी है उसको, इन दोनों को ऐसे जैसे मैं मार रहा हूँ ऐसी गोलियाँ मारनी। लेकिन कैसे, जैसे मैं कर रहा हूँ आपको ऐसे करना है, जैसे कि जो सेकंड और थर्ड डमी है उसको एक भी गोली टच नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फर्स्ट वाले और फोर्थ वाले को टच होनी चाहिए। ये थोड़ा टफ है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग करते जाओगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा दिखेगा। इससे आपका एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी, स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, आपका ट्रेसिंग इंप्रूव हो जाएगा, मतलब जो आप लोग एम ट्रेसिंग करते हो वो इंप्रूव हो जाएगा। तो आपको ए ड्रिल लेना, आपको 3 से 4 मिनट करने, ज़्यादा नहीं करने, इससे आपका एम खराब भी हो सकता है। तो 3 से 4 मिनट आप लोग कर लो। तो आप देखेंगे थर्ड ड्रिल जो कि अपने स्प्रे के लिए होने वाले, तो आपको इधर आना है, आपको M4 लेनी है, रेड डॉट 3x 4x 6x लेना है, आपको एक मैग लेना है, बाकी कुछ नहीं लेना। और इधर आने के बाद आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड ट्रेनिंग में आना है, आपको मूवमेंट स्पीड 0 रखनी है, आपको हेल्थ 100 रखना है और आपके जो हेड है मतलब ओनली हेड रखना है और स्टार्ट कर देना है। जो कि जो फर्स्ट 4 टारगेट होते हैं उसको ऑन कर देना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे करने के बाद आपको स्टार्ट कर देना है। जैसे आप लोग स्टार्ट करेंगे तो जैसे मैं मार रहा हूँ, मतलब एक्यूरेसी के साथ ऐसे स्पीड करके ऐसे मारना है आपको, ये 2 मिनट मारना है। 2 मिनट के बाद आपको अपनी मूवमेंट स्पीड है उसको 100 रखना है, मतलब पूरा फुल कर दो। आपको पूरा फुल करना है। फुल करने के बाद आपको हेल्थ अपनी 100 रखने, ओनली हेड रखने और आपको मारने की ट्राई करना है। ये थोड़ा टफ है, लेकिन इससे आपको ट्रेसिंग होगी आपकी एम भी, आपकी स्पीड भी अच्छी लग जाएगी और आपको ट्रेसिंग जो कार ट्रेसिंग होती है जो अपने मुँह से जाती है तो उसको भी मारने के लिए आपको अच्छी सी मदद होगी। और आपको ये हर एक स्कोप के साथ करना है, लेकिन आपको जो मतलब 3x तक करना है और 4x और 6x करने के लिए आप लोगों का क्या करना है, जो बाकी जो टारगेट रह गए उसको ऑन कर दो और जो अपने फर्स्ट जो फोर्थ होते हैं उसको ऑफ कर दो। और आपको जो स्पीड होते हैं उसको 0 रखना है पहले, और वो अपनी जो हेल्थ होती है उसको 100 रखना है, फिर अपने जो हेड होते हैं उनके हेड रखना है और आपको स्प्रे मारना है। लेकिन स्प्रे सिर्फ ऐसे मारना है, लेकिन जैसे जैसे ऐसे ऐसे मारना नहीं, आपको सिर्फ स्प्रे मारना है मूविंग करते हुए, थोड़ा हल्के में करना ही मारना है। और फिर आपको 1 मिनट होने के बाद आपको सिर्फ स्प्रे मारना है, लेकिन एक्यूरेसी के साथ और स्पीड के साथ, जैसे मैं मार रहा हूँ वैसे मारना है। और फिर 1 मिनट होने के बाद आपको क्या करना है, उसकी जो स्पीड है हेल्थ उतनी रखनी है, हेड ओनली रखना है और उसकी जो स्पीड होती है ना उसको करना है 100। और उसके उसको करने के बाद आपको ऐसे मारना है। ये थोड़ा टफ है, लेकिन इससे आपको कार ट्रेसिंग भी इंप्रूव हो जाएगी या फिर बंदा दौड़ रहा है थोड़े दूर से तो आपको मारने के लिए थोड़ी आसानी होगी, इससे आपका एक्यूरेसी भी इंप्रूव हो जाएगी। तो आप देखेंगे अपना रिफ्लेक्स या फिर आपका जो जायरोस्कोप में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ड्रिल देखेंगे। तो देखें ड्रिल नंबर 4 आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि अगर आप लोग फाइट ले रहे हो और अगर आप लोग फाइट के वक्त आप लोग देख रहे हो कि भाई मेरे बटन के ऊपर सही से उंगली पड़ रही है या नहीं, या फिर आपको देखना पड़ रहा है कि भाई बटन किधर है, तो भाई ये तो नहीं होगा, क्योंकि इससे आप लोग कभी अच्छे तरह से नहीं खेल पाओगे। तो आपको जायरोस्कोप मास्टर करने के लिए आपको पहले बटन को मास्टर करना पड़ेगा, क्योंकि सभी बटन को आप लोग अच्छे से यूज़ करना होना चाहिए, मतलब आपका मसल मेमोरी में इतना अच्छे से बैठना चाहिए भाई जैसे आप लोग दिमाग से सोचते हो वैसे आप लोगों का कुछ सेकंड में आपको बटन का प्रेस होना चाहिए, मतलब जैसे जैसी सिचुएशन आए वैसे आपको बटन का यूज़ करना आना चाहिए। तो भाई आप लोगों को क्या करना है, इधर जैसे आप लोग आ जाओगे तो आपको सभी बटन को दबा के यूज़ करना है, मतलब जंप हो गया या फिर प्रोन हो गया, आपको इसे रिफ्लेक्स मारना है, सभी बटन को दबा के यूज़ करना है, जिससे आपको मसल मेमोरी में अच्छी तरीके से सभी बटन का यूज़, मतलब आपका जो बटन का जो कोना होता है जो सेंटर जो उसकी पोजीशन है वो दबा के आपने मसल मेमोरी में अच्छी तरह से बैठना चाहिए।
तो ये तो ड्रिल नंबर 4 होगी, लेकिन ड्रिल नंबर 5 वही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका जर्स को मास्टर करने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ड्रिल नंबर 5 ये मेरे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेरे जो फेवरेट है ना वो ये ड्रिल है, क्योंकि ये मैं जो डेली से डेली करता ही करता हूँ, जो अपने हेडो एक्यूरेसी के बढ़ने के बाद ये तो ड्रिल करता ही करता हूँ। तो इधर आने के बाद आपको क्या करना है, जो अपने टारगेट है इसके ऊपर आपको मूवमेंट देते हुए इधर इसे सेव करना है, लेकिन आपका जो एम है इस टारगेट से इस टारगेट के करने के बाद आपको अपनी मूवमेंट करते हुए जाना है। जैसे मैं कर रहा हूँ, आप लोग देखो आपको पता चलेगा, ऐसे आपको 5 मिनट तो करना ही करना है, मतलब 2-3 मिनट भी हो जाएगा, लेकिन मैं तो 5 मिनट करता हूँ, क्योंकि इससे मेरा ज़्यादा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगता है मेरे को ड्रिल ये, तो मैं करता ही करता हूँ। आप लोग ये भी कर सकते हो, लेकिन आप लोग इधर तक देख रहे हो तो एक बोनस टिप देना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप लोग किसी भी चीज़ में मास्टर बनना चाहते हो तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आपको डेली ड्रिल करना है, आपको टीडीएम खेलने हैं, क्लासिक खेलने हैं, आप लोग क्लासिक खेलो या नहीं खेलो, लेकिन आपको टीडीएम ज़रूर खेलना है यार, आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोग घिसोगे नहीं तो चमकेगे नहीं, तो आपको प्रैक्टिस ज़रूर करने, आपको ये ड्रिल्स तो करना ही करना है। लेकिन जो मैंने पहले वीडियो बनाया था कि आप लोग जायरोस्कोप कैसे मास्टर कर सकते हो, या फिर आपको जायरोस्कोप कैसे लर्न कर सकते हो, तो इसमें जो ड्रिल्स बताओ उसको भी आप लोग को ज़रूर करना है, वो तो डेली रूटीन में आप लोग करना ही करना है, जिससे आपको जायरोस्कोप मास्टर करने के लिए बहुत आसानी होगी। तो जायरोस्कोप मास्टर करने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना होगा, और आपको जितना ज़्यादा टीडीएम खेल सकते हो, जितना ज़्यादा रूम खेल सकते हो टीडीएम में, उतना ज़्यादा आप लोग खेलो, आप लोग वैसे बेटर 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 बनते जाओगे। आपको जायरोस्कोप मास्टर करना है तो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, अगर आप लोग टाइम दे रहे हो, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो जायरोस्कोप जरूर मास्टर कर पाओगे। लेकिन अगर आप लोग का हेडशॉट एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो आप लोग जाके ये वीडियो जरूर देखना, और आपके भाई का 1K सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट हो रहा है तो उसको भी कंप्लीट कर दो यार। तो आपको इसी धमाकेदार वीडियो के साथ आपको मिलता ही रहूंगा, लेकिन जाके पहले ये वीडियो देखो, और जॉयस्टिक का भी वीडियो है इधर भी जाके आप लोग देखो, आपका जॉयस्टिक साइज परफेक्टली पता चली जाएगी। तब से वही मिलूंगा, तो बाय एंड लव यू गाइज।